एक बार की बात है, सूरजपुर गांव में एक बहुत पुराना घर था। उस घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। गांव के लोगों का मानना था कि उस घर में किसी बुरी शक्ति का वास है, क्योंकि अगर रात के समय कोई उस घर के सामने से भी गुजरता तो वो गायब हो जाता था और सुबह उसकी आधी कटी हुई लाश मिलती थी। गांव वालों में उस घर को लेकर दहशत का माहौल था। कोई भी अपने ऊपर उस घर का साया तक नहीं पड़ने देता था। एक बार राघव अपनी पत्नी सुरेखा और बेटी गुड्डी के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने माँ बाप के घर सूरजपुर गांव आता है। उनका घर उस भूतिया घर के पास ही होता है, इसलिए राघव के पिता किशोर उसे समझाते हैं। राघव बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ छुट्टियां बिताने चले आए। हमें गुड्डी से मिलने का बहुत मन हो रहा था। देखो, तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें उस सामने वाली भूतिया घर से सावधान करता हूँ। तुम सब उस घर के साए से भी दूर रहना, खासकर गुड्डी का ध्यान रखना। अगर वो गलती से भी उस घर की तरफ चली गई तो बहुत बुरा हो सकता है, समझो। अरे पिताजी, मैं समझ गया। हम लोग यहाँ पर कुछ ही दिन रहने वाले हैं, लेकिन जितने भी दिन रहेंगे आपकी छत्र छाया में ही रहेंगे, ठीक है ना? अब देखिए, हम लोग को बहुत भूख लगी है, चलिए चलकर खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, जल्दी चलो, मैंने आज तुम्हारे ही पसंद का खाना बनाया है। सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं। फिर रात के समय जब सब लोग सो रहे होते हैं, तभी सामने वाले घर से किसी बच्चे की रोने की आवाजें आने लगती हैं। वो आवाज सिर्फ गुड्डी को ही सुनाई देती है, इसलिए वो अचानक उठ जाती है। अरे, ये इतनी रात को कौन बच्चा रो रहा है, जरा देखूं तो। अरे वाह, कितनी अच्छी गुड़िया है, मुझे हमेशा से ही ऐसी गुड़िया चाहिए थी, लेकिन पापा तो मेरे लिए खरीदते ही नहीं, पता नहीं वो गुड़िया किसकी होगी। गुड्डी दौड़ती हुई उस घर की तरफ जाती है। तभी गुड़िया बोलने लगती है, गुड्डी क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? देखो ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? गुड्डी अपना सिर हाँ में हिलाती है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती है, घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। उसी वक्त सुरेखा की नींद भी खुल जाती है। सुरेखा गुड्डी को बिस्तर में न देखकर घबरा जाती है और तुरंत दरवाजे की तरफ जाती है। सुरेखा देखती है कि गुड्डी भूतिया घर के दरवाजे पर खड़ी है। इससे पहले कि सुरेखा गुड्डी को आवाज लगा पाती, गुड्डी घर के अंदर चली जाती है। राघव, पिताजी उठिए, हमारी गुड्डी उस भूतिया घर में चली गई है, अरे कोई बचाइए मेरी गुड्डी को। सुरेखा डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया, अरे अब मेरी बच्ची का क्या होगा? देखो राघव, कुछ भी हो जाए तुम उस घर के अंदर मत जाना, मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ, हम गुड्डी को कुछ नहीं होने देंगे। ये बोलकर किशोर चला जाता है। राघव कुछ कीजिए, मेरी गुड्डी को बचा लीजिए। देखो सुरेखा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अभी गुड्डी को बचा के लेके आता हूँ। राघव आओ देखता है न ताओ, सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर राघव देखता है कि गुड्डी एक कोने में बैठी गुड़िया से खेल रही होती है। अरे बेटा गुड्डी, हमने तुम्हें इस घर में आने से मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ क्यों आई? पता है हम सब कितना डर गए थे, चलो अब जल्दी से घर चलो। राघव उसका चेहरा तो नहीं देख पाता, लेकिन गुड्डी को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। राघव जैसे ही गुड्डी के पास जाता है, गुड्डी का चुड़ैल वाला चेहरा देखकर उसकी सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। गुड्डी चुड़ैल के वश में होती है। ए, चला जा यहाँ से, दिखता नहीं क्या गुड्डी मेरे साथ खेल रही है, अब ये मेरा शिकार है, जब हमारा खेल खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं इसका नर मांस मजे से खाऊंगी।
अरे चुड़ैल, मेरी बच्ची को छोड़ दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे मूर्ख इंसान, तू मेरी जान लेगा एक चुड़ैल की? अरे मुझे मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, रुक तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल राघव को हवा में ऊपर लटका देती है। क्यों, आ रहा है ना मजा? चुड़ैल गुड्डी के शरीर से बाहर आ जाती है। गुड्डी जमीन पर ही बेहोश पड़ी रहती है। अब मैं इस लड़की को तेरे सामने ही कच्चा चबा जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद मैं तुझे भी खा जाऊंगी। चुड़ैल गुड्डी पर हमला करने ही वाली होती है, तभी किशोर सभी गांव वालों के साथ अंदर आ जाता है। सभी के हाथों में आग की मशाल होती है। चुड़ैल, तूने हम सभी गांव वालों को बहुत सताया है, लेकिन अब तू हमें और नहीं सता पाएगी, क्योंकि आज हम तेरा अंत कर देंगे। अरे बुड्ढे, तू मुझे मारने आया है, लेकिन अब मैं सबसे पहले तेरा अंत करूंगी, उसके बाद बाकी लोगों का। चुड़ैल राघव को छोड़कर किशोर को मारने जाती है। चुड़ैल उसे मारने ही वाली होती है, तभी राघव पीछे से चुड़ैल को आग लगा देता है। देखते ही देखते चुड़ैल राख में बदल जाती है और फिर सभी गांव वालों को चुड़ैल से आजादी मिल जाती है।